अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो बस के रूट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारा रावी ब्रिज का इफ्तिताह हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले मेट्रो बस का रूट सेट किया जाएगा। अभी देखेंगे आप सामने जो है वो मेट्रो बस के रूट के बारे में काम किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रैफिक हमारी जो है वो किस साइड से आ रही है। सामने देखेंगे आप, ये तमाम की तमाम ट्रैफिक न्यू पुल से होती हुई, मींस के बत्ती चौक से आगे न्यू पुल से होती हुई सीधा आ रही है शाहदरा की जानिब, और यहाँ पर हमारा रावी ब्रिज एंड होता है। सामने सुपीरियर कॉलेज भी है और ये सामने जो है वो आपको जो है वो काम दिखाई देगा, यहाँ पर काम स्टार्ट है। तो ये सारी ट्रैफिक कह लें कि आप बत्ती चौक से आगे सीधा जो है वो शाहदरा फ्लाई ओवर की जानिब जा रही है। अगर हम जाते हैं इस साइड पर तो सामने जो है वो हमारा शाहदरा फ्लाई ओवर आ रहा है। अभी हम चलते हैं उस साइड पर, चल के देखते हैं कि वहाँ पर काम की क्या सिचुएशन है, कौन कौन सा काम जो है वो किया जा रहा है नई रावी पुल पर, मीन्स के मेट्रो रूट के हवाले से। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि जो काम की अपडेट है वो क्या अपडेट है। उसके अलावा काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि जहाँ पर हमारा न्यू रावी ब्रिज एंड होता है ना, वहाँ से जगह जो है वो डाउन है। तो अभी जो है वो भी मसला हल होने वाला है। सामने देखेंगे, अब अभी आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सारे का सारा काम जो है वो स्टार्ट है। सबसे पहले जो रोड है ना, पुरानी रोड है मेरे, अगर आप देखेंगे राइट साइड पर आपको पता होगा कि वहाँ पर सारी की सारी रोड जो है वो न्यू बनी है। लेकिन जो ये वाली साइड थी, ये साइड तो एक उस साइड से काफ़ी डाउन थी, मीन्स के 1 से 1.5 फुट ये वाली साइड जो है वो डाउन थी। और यहाँ पर जो है वो अभी तमाम की तमाम जो पुरानी रोड है उसको तोड़ कर सेट किया जाएगा। सारी की सारी कहने के आप, जहाँ से हमारा पहले वाला जो ब्रिज है ना, उसका तो सबसे पहले रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 दिन जो है वो वहाँ से ट्रैफिक आ रही थी। लेकिन अभी जो है वो उस ब्रिज का रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर आगे जो है वो सेफ्टी जो टेप होती है ना, वो लगाकर सारे का सारा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी आप चाहें भी तो आप उस ब्रिज से नहीं आ सकते। वहाँ पर एक आई थिंक सो सिक्योरिटी गार्ड भी है तो जो आपको आगे आने नहीं देगा। तो फिलहाल काम हो रहा है इस साइड पर, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है। सामने देखेंगे आप, सारी की सारी जो रोड है, पुरानी रोड जो है वो उसको तोड़ दिया गया है, और तोड़ने के बाद यहाँ पर जो है वो तमाम की तमाम रोड को दोबारा बनाया जाएगा। इस पॉइंट तक तमाम की तमाम रोड, मींस के जहाँ से हमारा पहले वाला रावी ब्रिज एंड होता है उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तमाम की तमाम जो रोड है ना उसको न्यू बनाया जाएगा। तो भी यानी कि कह लें कि सारी आगे थ्रू दी ब्रिज तक जो है वो तमाम की तमाम रोड को तोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी ये मेट्रो रूट है, तो यहाँ से हमारी मेट्रो बस पीछे से शाहदरा स्टेशन से आएगी और इस साइड से ये जो बैरियर लगे हैं इनको बाद में हटा दिया जाएगा और उसका जो है वो रूट प्रॉपर यहाँ पर सेट किया जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर आप कह लें कि एक टर्न बन जाएगा। अभी जो मेट्रो बस है वो सीधे जाती है रावी पुल की जानिब, लेकिन बाद में जो है वो इस साइड से जो है वो मेट्रो बस का टर्न लिया जाएगा और जो सीधा जो है वो उस दूसरे मेरे लेफ्ट साइड पे जो रोड बनेगा उस पे आ जाएगी और सीधा जो है वो जो हमारा रावी का ब्रिज है उसके ऊपर जाएगी। और यहाँ पर रूट जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा, मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि एक ही बस है आएगी भी, और जब रावी ब्रिज से शाहदरा की जानिब ट्रैफिक आएगी तो उस साइड से भी जो है वो मेट्रो बस ने इसी रोड के ऊपर आना है। तो मेंस के काफ़ी बड़ा टर्न यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इस साइड की, तो जैसे ही ये मेट्रो बस का रूट जो है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप कह लें कि यहाँ पर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो काम है, ये जो आप मेरे सामने जंगला देख रहे हैं ना, जंगला यहाँ तक ही रहेगा। इस जंगले को भी जो है वो टर्न किया जाएगा जो सीधा उस रोड पे जाएगा। बाकी जो ये वाला आप जंगला देख रहे हैं मेरे सामने, ये तमाम का तमाम जो है वो रिमूव किया जाएगा। उसके बाद जो इसके नीचे जॉइंट्स लगे हैं, बैरियर लगे हैं, उनको तमाम को जो है वो तोड़ कर इस तमाम के तमाम रोड को जो है वो आपस में मर्ज किया जाएगा, जिससे जो है वो ये दोनों रोड जो है वो बराबर हो जाएंगे। और अभी अगर आप देखेंगे, जब हमारी ट्रैफिक शाहदरा फ्लाई ओवर से आती है, तो फ्लाई ओवर से आप कह लें कि जब आती है रावी ब्रिज के ऊपर, तो पीछे 4 लाइंस का रोड है और आगे चल के जो है वो 2 लाइंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो उस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक होती है। लेकिन अभी जब ये सारा काम कंप्लीट होगा ना, ये आई थिंक सो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर तमाम के तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमारी कह लें कि ये भी रोड सामने, ये जो मेरे राइट साइड पर ब्रिज है जहाँ से मेट्रो बस भी गुजरी है, ये वाला ब्रिज और जो जहाँ से भी ट्रैफिक जा रही है, ये दोनों ब्रिज अब आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये भी रोड जो है वो 4 लाइंस का हो जाएगा। तो जिसके बाद काफ़ी जो है वो ट्रैफिक को आसानी होगी। जितनी भी मुश्किलात थी रावी ब्रिज के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर मुश्किलात हल कर दी जाएंगी। मीन्स कि यानी कि आप कह लें कि ये तमाम काम जो है वो 1 से 1.5 महीने का है,
तो इतना बड़ा काम नहीं है, बस ये जो रोड है ये रोड बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो ये जंगला हटा दिया जाएगा, ये तो बल्कि हटा ही जाएगा जंगला। तो जंगला हटाने के बाद रोड को आपस में मर्ज किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो इसके ऊपर एक से डेढ़ लेयर जो है वो, यानी कि एक आधी लेयर एसफाल्ट की डाल देंगे, जिससे तमाम का तमाम रोड भी जो है वो न्यू हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से काम स्टार्ट होने के बाद फिर जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि जब मैं यानी कि मेरे लेफ्ट साइड पर आप बैरियर देख रहे हैं, इस बैरियर से जो है वो मेट्रो बस हमारी आगे जो है वो ब्रिज के ऊपर जाएगी। बाकी मेरे राइट साइड पर देखेंगे आप तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है वो न्यू रावीपुल से आ रही है। सामने देखेंगे आप बैरियर लगाकर जो है वो रास्ता भी यहाँ पर बंद किया गया है, यानी कि मीन्स के इस ब्रिज से आप अब नहीं आ सकते। जितना आपने अयाशी करनी थी इस ब्रिज से आपने कर ली है, लेकिन अब आप इस ब्रिज पर बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप इसके ऊपर दोबारा सफ़र करें। मेट्रो बस में आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कार बाइक पर जो है वो इस ब्रिज से अभी बहुत ही यानी कि कह लें कि रेयर चांसेस हैं आप आ सकेंगे। तो बाकी उसके अलावा बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी जो है वो कुछ रोड सेट किया जाएगा मेट्रो बस के वाले से, तो उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी फ़िलहाल आज की वीडियो में यही अपडेट थी। मैं वापस जा रहा था तो अचानक ही जो है वो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर काम स्टार्ट था, तो मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उस साइड से भी प्रॉपर दिखाऊंगा और इस साइड से भी दिखाऊंगा कि इस साइड पर दोबारा इनके क्या काम जो है वो अपडेट है, और उस साइड पर जो है वो क्या काम की अपडेट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको प्रॉपर विज़िट करेंगे। फिलहाल इंशाल्लाह आज की गाइस वीडियो इतनी थी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को आपने लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को भी जो है वो प्रॉपर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे कि जिसमें जो है वो यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी आगे जा चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।